हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में यानी कि फर्स्ट पार्ट जो एक सेल का डल चुका है उसके अंदर हम ये जान चुके हैं कि सेल को डिस्कवर किसने किया, सेल की फर्स्ट लिविंग सेल किसने बताया, फिर हमने अलग अलग पार्ट को किसने डिस्कवरी की यानी कि करीबन 5-6 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा हमने, सेल थ्योरी क्या होती है वो पढ़ा, सेल किससे सिमिलर है, सेल का नाम कहाँ से आया और सेल के 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो आज हम सेल का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक शॉर्ट वीडियो है, वो फर्स्ट पार्ट वो देख लो, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट करेंगे आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल से। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, किस जो सेल है उसके अंदर क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं, तो मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, एक बेसिक डायग्राम बताता हूँ कि कैसे क्या होता है सेल के अंदर। मान लो ये सेल है, एनिमल सेल अलग होगा, प्लांट सेल अलग होगा, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दोनों में कॉमन होंगी। पहले हम वो कॉमन चीज़ें लेंगे जो दोनों में होंगी। सबसे पहले हर सेल के बाहर उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा, उसका सबसे मेन चीज न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। और तीसरी सबसे उसकी इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहां पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारा फ्लूइड होता है जो कि होता है साइटोप्लाज्म। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे न्यूक्लियस, थर्ड नंबर पे साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि कहीं माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका, कहीं आपका गोल्गी एपरेटस होता है, कहीं राइबोसोम्स होते हैं एटसेट्रा, और बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। न्यूक्लियस का काम होता है कंट्रोल करने का सेल को, ब्रीफ में भी पढ़ेंगे, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम बहुत ज्यादा है, स्टार्टिंग इससे ही करेंगे। और सेल ऑर्गेनल्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर, यहां सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स मतलब क्या, जो अलग अलग काम करेंगे सेल के अंदर, और वो काम करेंगे जिस वजह से ही न्यूक्लियस जिंदा रह पाएगा। कोई एनर्जी बनाएगा, कोई प्रोटीन बनाएगा, कोई फैट सिंथेसाइज करेगा, कोई उन फैट्स को पैक करेगा और आगे नए सेल्स बनाने में हेल्प करेगा, कोई कोई न्यूक्लियर डिविजन में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो आज के जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं वो आप पूरी लिस्ट बना लो उनकी, और लाइन वाइज उन्हें पढ़ते रहना, और कॉपी जरूर ले लेना, ठीक है। और एक चीज मैं और चाहता हूँ कि अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो साथ साथ आप एनसीईआरटी भी रीड करें, नहीं अगर है एनसीईआरटी बुक तो प्लीज आप उसे डाउनलोड कर लें, उसका पीडीएफ फॉर्म गूगल से डाउनलोड कर लें, ताकि आप एक बार एनसीईआरटी को भी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि चीजें बहुत सारी ऐसी है जो एनसीईआरटी से, जो मैं बात बोलूंगा वो एकदम लिखी हुई है एनसीईआरटी में, तो आपको वहां से एकदम पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर पता लग जाएंगे, आपको एक रिवीजन भी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले मैं कुछ वर्ड लिखना चाहूंगा। एक होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा वर्ड मैं लिखना चाहता हूं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब मैंने ये क्या नाम लिखा है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ये भी आपको अभी हेल्प मिलेगी क्या है। पहले समझते हैं कि क्या है। देखो, जो भी सेल है, आप जानते हो एक सिंगल सेल भी इस दुनिया में जिंदा रह सकता है, तो एक सिंगल सेल भी एक अपने आप में लाइफ कंटेन करता है, तो एक सिंगल सेल भी अपने अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर रखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाहर से कोई भी पार्टिकल को अंदर आने देती है, या अंदर से कोई भी पार्टिकल को बाहर जाने देती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, ये एक टाइप से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है, कि कोई भी चीज अगर उसे लेनी है तो अंदर आ जाएगी, और कोई भी चीज अगर बाहर फेंकनी है तो बाहर चली जा सकती है। और ये मेम्ब्रेन बनती किससे, सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपकी, वो आपकी बनती है प्रोटीन और दूसरा लिपिड। लिपिड यानी कि एक फैट का पार्ट्स है, तो काफी ये इलास्टिक होती है, बहुत ही ज्यादा इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है ये,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये अपने जरूरत के हिसाब से चीजों को अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है, उसके अलावा ये और कोई काम नहीं कर सकती। तो इसलिए ना पता है क्या होता है, इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चीजों को सेलेक्ट करके अंदर आने देती है और उसे बाहर जाने देती है। ये नहीं कि आपका न्यूक्लियस या फिर कोई भी चीज सेल के अंदर है तो उसे जो मर्जी बाहर जा सकता है और जो मर्जी चीज अंदर आ सकती है, नहीं, इसकी रिस्ट्रिक्शन होती है कुछ। अब ये वर्क कैसे करती है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्किंग पढ़ने से पहले इन वर्ड्स को समझना पड़ेगा जो आपके सबसे मेन वर्ड्स हैं। सबसे पहला वर्ड आपको समझना पड़ेगा डिफ्यूजन को, और दूसरा आपको समझना पड़ेगा ऑस्मोसिस को। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन होता है, अभ्यास से समझना, एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। अब सेल के बाहर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आया कहां से, ये ऑक्सीजन ब्लड में। अब जाहिर सी बात है हमारे इस सेल्स के नीचे ब्लड है, तो याद रखना कि ये जो ब्लड है इसके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व है। अब ऑक्सीजन में वो फिर से बता रहा हूं, ये आया कहां से, हम रेस्पिरेशन करते हैं उसके थ्रू ये ब्लड में आया है, तो ब्लड में आ चुका है ये ऑक्सीजन, लंग से ब्लड में आ गया। अब हमारे सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ऑक्सीजन अपने अंदर लेता है और एक रेस्पिरेशन रिएक्शन करता है, रेस्पिरेशन रिएक्शन करता है। तो ये रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या होती है कि C6H12O6 आपके सेल में ग्लूकोज होता है, ये रेस्पिरेशन के बाद आपके सेल में ग्लूकोज होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे ही ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन जाता है आपकी CO2 बनती है इसके अंदर, जैसे ही इसके अंदर ऑक्सीजन गया इसके अंदर CO2 बनेगी और साथ में वाटर का वेपर बनते हैं, वाटर के वेपर बनते हैं और साथ ही में ATP बनता है। अब ATP क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि CO2 और H2O का क्या होता है। जैसे ही ऑक्सीजन इसके अंदर गया, इसके अंदर एक रिएक्शन हुई, इसके अंदर पहले से ही क्या था, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कहां से आया, हमने पूरा डाइजेशन किया है, हमने खाना पीना किया है, तो उस वजह से इसके अंदर पहले से ही ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, तो पहले से ही ग्लूकोज उसके अंदर है। अब ग्लूकोज जो है उसके अंदर ऑक्सीजन आया, दोनों आपस में रिएक्ट हुए और ये दोनों बने कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और वाटर वेपर, और ये दोनों ही जब जनरेट होते हैं तो साथ में ATP, आप ATP को अभी एनर्जी समझ लो, ये आपका ATP रिलीज होता है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस CO2 और H2O को बाहर कर देती है, कैसे, अपने आप इसने ऑक्सीजन को अंदर लिया और इन दोनों को बाहर कर दिया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने काम कैसे किया, मतलब वर्किंग कैसे हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो मैं आपको बता दूं डिफ्यूजन का मतलब होता है कि सेल है, सेल के बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है और अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, ये आपका सेल है, सेल के बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है अंदर नहीं है, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन, मतलब कि सेल के बाहर जो कंसेंट्रेशन ज्यादा है हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। समझ में आया, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा अंदर नहीं था तो बाहर से अंदर आ गया। अब ये दोनों बाहर कैसे चले गए, कौन कौन, वाटर वेपर और CO2, ये वाटर वेपर और CO2 बाहर ऐसे आ गए क्योंकि अंदर ये ज्यादा हो गए और बाहर ऑक्सीजन ज्यादा था, तो ऑक्सीजन अंदर आ गया और ये दोनों चीजें बाहर चली गई, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, और इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां पर काम कर पाए, उसको पता लग गया कि बाहर ज्यादा कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन की और अंदर नहीं है, इसलिए सारा आ गया। अब आप बोलोगे कि सर हमें कैसे पता कि CO2 और वाटर वेपर बाहर निकलते हैं, देखो जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो हम जो ब्रीथ करते हैं वो बहुत ही कोल्ड एयर होती है, जो हम ब्रीथ करते हैं वो कोल्ड एयर होती है हमारे आसपास, पर जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, आप सारे ऐसा करके देख सकते हो, ब्रीथ आउट करके देखो आप, जैसे आप ब्रीथ आउट करोगे तो आप देखोगे कि वो एयर जो है वो हॉट हो गई है। अब हॉट होने से क्या पता लगा, हॉट होने से ये पता लगा कि अंदर एनर्जी पक्का बनी है, और दूसरा अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि वाटर वेपर निकला कि नहीं निकला, इसके दो तरीके पता करने के। पहला तरीका बहुत आसान है, आपने सर्दियों में देखा होगा कि जब हम बहुत
तेजी से ब्रीद आउट करते हैं तो आप देखते हो कि वाटर वेपर्स निकलते हैं और वो जाके ग्लास पे लग जाते हैं सर्दियों में, वहां पे आप देख सकते हो। नहीं यार, तो आप कई बार आप बैगन बढ़ते हो सर्दियों में, मजाक से हटके आप जब भी मुंह खोलते हो तो वाटर वेपर बाहर आता है। ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे अच्छा मेथड है कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि एसी जो है वो पानी कैसे बाहर निकालती है, एसी जो है उसके अंदर पानी आता कहां से है, वो रूम का ही तो वाटर वेपर होता है। हाँ, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम सांस लेते हैं एक रूम में, तो हम लोग अपने बॉडी से वाटर वेपर निकालते हैं, थोड़ा 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 CO2 तो निकालते ही है पर साथ में वाटर वेपर भी निकालते हैं। उस वाटर वेपर को एसी कंडेंस करके पानी बनाती है। तो इसीलिए एक रूम में अगर ज्यादा लोग हो जाएं तो फिर एसी जो है वो ज्यादा पानी बनाएगा और एसी को ठंडा करने में भी टाइम लगेगा क्योंकि उसे ज्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा वाटर वेपर एक रूम में आ गया है। तो याद रखना, ह्यूमिडिटी और बेसिकली आपका जो एसी है वो वाटर वेपर को कंडेंस करता है, ये दोनों प्रोसेस डिपेंड करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने डिफ्यूजन से पहला काम किया, डिफ्यूजन से, और डिफ्यूजन ज्यादातर गैस में होता है और ये गैस को एक्सचेंज करवाने का काम करता है। तो आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे कि डिफ्यूजन हेल्प्स अ सेल टू डू गैस एक्सचेंज, टू डू गैस एक्सचेंज। तो याद रखना कि डिफ्यूजन गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। और डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या बनेगी, डिफ्यूजन की डेफिनेशन होगी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दैट्स इट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और ऑस्मोसिस अब क्या है, ऑस्मोसिस थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जो डिफ्यूजन की डेफिनेशन है, जो डिफ्यूजन की डेफिनेशन है उसके अंदर आप आखिरी में एक लाइन और ऐड कर दो, डिफ्यूजन की डेफिनेशन में एक और लाइन ऐड कर दो, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यस, जैसे कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो, अगर डिफ्यूजन है तो सिर्फ इतना बोलो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बस। पर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये आपका ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस में ये वर्ड एक्स्ट्रा आ जाता है। प्लस दूसरा आप डिफरेंस याद रखना कि सेकंड डिफरेंस, पहला तो मैंने बता दिया कि इसकी डेफिनेशन सारी इसकी होती है, बस इसमें एक और लाइन एक्स्ट्रा है, ये ज्यादातर गैस में होता है, ये गैस को एक्सचेंज करने का काम करता है, और ये ज्यादातर लिक्विड्स में होता है, ये आपका वाटर पार्टिकल, वाटर सॉल्यूशन, इन सबको एक्सचेंज करने का काम करता है। तो सेकंड पॉइंट याद रखना कि ये ज्यादातर गैस में होता है और ये लिक्विड्स में ज्यादा होता है। तो अब ऑस्मोसिस को समझते हैं, ऑस्मोसिस कैसे वर्क करता है ये चीज समझते हैं। देखो, सेम आपका सेल है, उसके ऊपर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और ये तो न्यूक्लियस है ही। अब सेल जो है उसके बाहर जो है वो फैट या फिर अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन, अमीनो एसिड या तो फैट या फिर कोई प्रोटीन का अमीनो एसिड, अमीनो एसिड उसकी अमाउंट बाहर ज्यादा है और सेल के अंदर उसकी अमाउंट कम है, या बाहर शुगर की अमाउंट ज्यादा है तो सेल उस अमाउंट को, हाई कंसंट्रेशन को खींच के यहां पर आ जाएगा लो कंसंट्रेशन। मतलब ये सारे के सारे पार्टिकल्स, फैट, शुगर या जो बाहर ज्यादा है, ये सारे अंदर आ जाएंगे और सेल नरिश हो जाएगा। ऐसा रिवर्स भी हो सकता है कि कुछ पार्टिकल्स बाहर जाए, अगर जिस चीज की अंदर हाई कंसंट्रेशन है वो बाहर भी जा सकता है। इस पूरे ऑस्मोसिस के प्रोसेस को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑस्मोसिस के पूरे प्रोसेस को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हम ऑस्मोसिस को तीन तरीके से समझ सकते हैं, दूसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहां पर सॉल्यूशन बताता है आपका कि वाटर है जो आपका है बॉडी में, या आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसके साथ कुछ पार्टिकल है,
सॉल्यूशन मतलब होता है मिक्सचर, आप पूरी का पूरा ब्लड को एज अ मिक्सचर भी ले सकते हो। अब होता गया है तीनों प्रोसेस ध्यान से मानना। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो होता है अंदर बहुत ज्यादा लो कंसंट्रेशन होती है, लो कंसंट्रेशन, CONC का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन मतलब सेल के अंदर बहुत कम वाटर है, मान लो बहुत कम वाटर है और बाहर जो वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन पे, हाई कंसंट्रेशन पे, तो ये सारा वाटर अंदर मूव कर जाएगा और सेल जो है वो आपका एक्सपैंड कर जाएगा, तो हाइपरटोनिक में सेल एक्सपैंड कर जाता है। यस, बाहर हाई कंसंट्रेशन था, अंदर लो कंसंट्रेशन था। आइसो का मतलब ही होता है सेम, आइसो का मतलब जो होता है वो होता है सेम, अंदर और बाहर सेम सेम है, अगर अंदर जाता भी है तो उतना ही बाहर निकल जाता है, जितना पार्टिकल अंदर जाएंगे उतने ही बाहर निकल जाएंगे, तो सेम साइज रहेगा। यस, सेम साइज, ना डिक्रीज ना इंक्रीज, सेम साइज रहेगा। इसके अंदर बाहर हाई था और अंदर लो था तो ये एक्सपैंड कर गया। इस केस में अंदर बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन होती है वाटर की और बाहर क्या होती है, लो, तो आपका सेल सारा का सारा वाटर बाहर मूव कर देता है। इसमें वाटर अंदर गया था, इसमें सेम जितना बाहर गया उतना अंदर गया, और इसके अंदर अंदर हाई होने की वजह से सारा, तो ये श्रिंक हो जाता है, श्रिंक मतलब कंट्रैक्ट हो जाता है, तो सेल आपका कंट्रैक्ट हो जाएगा। कूल, तो याद रखना कि ऑस्मोसिस तीन तरीके से काम कर सकता है, सेल को एक्सपैंड कर सकता है, श्रिंक कर सकता है और सेम रख सकता है, और ये क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन रीजन टू द लो कंसंट्रेशन रीजन विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, अब इसी के अंदर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, वो है एंडोसाइटिस और एक्सोसाइटिस, एंडोसाइटिस और एक्सोसाइटिस, तो ये आपको दो चीजें मैं और ऐड करके बताना चाहूंगा। आप इसे एंडोऑस्मोसिस भी बोल सकते हो, एक्सोस्मोसिस भी बोल सकते हो। बात करते हैं एंडोऑस्मोसिस की, और एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, आपका अमीबा आप जानते हो, अमीबा एक सिंगल सेल होता है। अमीबा क्या करता है, अपने फूड को बाहर से अंदर लेता है, तो आप बोल सकते हो एंडोस्मोसिस हुआ, आपने फूड अंदर लिया, और एक्सोस्मोसिस में आपका जो सेल है वो बाहर करेगा फूड को या फिर कोई भी पार्टिकल को बाहर करेगा। एंडो का मतलब क्या है, अंदर की तरफ लिया उसने फूड को, और एक्सो में बाहर की तरफ किया, तो ये दोनों अमीबा काम करता है। अमीबा अपने फूड को एंडोस्मोसिस लेता है, अपने फूड को एंडोस्मोसिस से लेता है, और जो भी वेस्ट होता है उसे एक्सोस्मोसिस से निकालता है, तो अमीबा दोनों काम करता है, एंडोस्मोसिस भी और एक्सोस्मोसिस भी, आप एंडोसाइटिसिस भी बोल सकते हो इस चीज को, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा उसके अंदर भी, तो आई होप क्लियर हुआ हो आपको। तो ऑस्मोसिस के ये दो पार्ट भी होते हैं, और ऑस्मोसिस को समझने के लिए, ऑस्मोसिस को समझने के लिए आप हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन समझ सकते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता लग गया होगा कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके कितने फंक्शंस हैं, क्या क्या फंक्शन है इसके, कि ये बाहर से फूड पार्टिकल को अंदर लाने में हेल्प करती है, बाहर मूव करवाने में हेल्प करती है, गैस को एक्सचेंज करने का काम करती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाती है, मतलब सराउंड करके रखती है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो तो कोई भी बेसिकली सेल जो है वो जिंदा ही ना रह सके, याद रखना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर इस दुनिया के हर सेल में मौजूद है, पर किसी किसी सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर भी लेयर होती है, और वो कौन से सेल होते हैं जिनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर होती है, वो जनरली आते हैं, हम कैटेगराइज करते हैं प्लांट या फिर फंगस, फंगाए या फिर बैक्टीरिया। ये तीन ऐसे चीज होती है, प्लांट, फंगाए और बैक्टीरिया, जिनके पास सेल वॉल भी होती है। यस, बैक्टीरिया तो सेल वॉल बनाते रहते हैं अपने ऊपर ताकि उन्हें कोई मार ना सके, तो बैक्टीरिया तो अलग अलग टाइप की सेल वॉल बनाते रहते हैं, पर प्लांट्स हमेशा ज्यादातर अपने ऊपर सेलुलोज की सेल वॉल बनाते हैं। किसकी, सेलुलोज की सेल वॉल,
ये केमिकल है सेलुलोज, जिसकी प्लांट अपने ऊपर क्या बनाते हैं, सेल वॉल बनाते हैं, और फंगाई अपने ऊपर काइटिन नाम के केमिकल की, काइटिन नाम के केमिकल की सेल वॉल बनाता है, याद रखना। तो प्लांट अपने ऊपर कौन सी सेल वॉल बनाते हैं, सेलुलोज की, और फंगाई अपने ऊपर काइटिन, और बैक्टीरिया अपने ऊपर अलग अलग टाइप की केमिकल की बनाते रहते हैं, जितने अलग अलग बैक्टीरिया उनके ऊपर अपने अलग अलग टाइप की सेल वॉल, पर इनके अंदर फिक्स है प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की बनेगी या फिर काइटिन की। अगर डेड प्लांट है तो उसके अंदर एक अलग होगा मटेरियल प्लांट की सेल वॉल बनाने का, पर ज्यादातर सेलुलोज की सेल वॉल बनती है। अब उन्हें सेल वॉल का फंक्शन क्या ऐसा है, उन्हें और सेल वॉल क्यों मिली है, मतलब फंगस को, प्लांट्स को और बैक्टीरिया को अपनी खुद की सेल वॉल क्यों मिली है, और इंसानों को, एनिमल्स को क्यों नहीं मिली भी? उसका एक रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अपने आप को शेल्टर दे सकते हैं, कोई भी एनिमल अपने आप को एक शेल्टर दे सकता है, अपने ऊपर एक कोटिंग बना सकता है, कपड़े पहन सकते हैं, पर क्या आपको लगता है प्लांट्स ऐसा कर सकते हैं? नहीं, प्लांट्स अपने ऊपर नहीं, उनके पास नहीं है कपड़े, बैक्टीरिया के पास अपने कपड़े नहीं है, और फंगाई के पास अपने कपड़े नहीं है, तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें? तो इसीलिए उनके पास एक सेल वॉल और एक्स्ट्रा होती है, जो कि उन्हें और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाए। बहुत अच्छे से पढ़ना, आपको पता लगेगा कि सेल वॉल के क्या क्या फंक्शंस हैं। अब होता क्या है कि मान लो थोड़ी डार्क बना देता हूं मैं सेल वॉल को, और ये जो आपको डॉटेड दिख रही है, ये मान लो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अंदर न्यूक्लियस है। अब क्या होता है कि बहुत ज्यादा अंदर वाटर आने लगे, मान लो, अब प्लांट्स को तो अपना ब्रेन है नहीं, उनके ऊपर तो वाटर आने, रूट्स में बहुत ज्यादा हम पानी दे देते हैं कई बार, तो होता क्या है कि उनके अंदर जो सेल वॉल होती है, सबसे पहले तो जब एक लिमिट तक इसके अंदर वाटर आ जाता है तो उसे स्टॉप कर देती है वाटर को आने से। अब और बड़ी बात यह है कि इसको जितना मर्जी एक्सपैंड कर लो, जितना मर्जी एक्सपैंड कर लो इसकी अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल वॉल ब्रेक नहीं होगी। यू कांट बस्ट अ सेल वॉल बाय डूइंग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक आप समझे, जिसके अंदर बाहर से वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ रहा था, और अगर आप बहुत ज्यादा हद से ज्यादा एनसीईआरटी आप ध्यान से पढ़ो तो उसके अंदर ये वाला एक क्वेश्चन आता भी है बहुत ज्यादा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर एक्सट्रीम लेवल पे आ जाए, मतलब बहुत ज्यादा पानी अंदर आने लग जाए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पानी दे देते पेड़ों को कई बार, तो वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करे, कैसे वो अपने आपको जिंदा रखे उस केस में? तो उस केस में उनकी सेल वॉल उन्हें प्रोटेक्ट करती है और ज्यादा पानी को अंदर आने से भी रोकती है। दूसरा, वो रिजिड होने की वजह से, सेल वॉल बहुत ज्यादा क्या है, ऊपर वाली जो ये सेल वॉल है ये बहुत ही ज्यादा रिजिड होने की वजह से अपने आप को एक्सपैंड होने से रोकती है एक एक्सट्रीम कंडीशन पे। सेम ऐसा ही अगर आपकी सेल वॉल है और पानी इस बार बाहर निकल रहा है, इस बार वॉटर बाहर, तो सेल श्रिंक करेगा, तो जब सेल श्रिंक भी करेगा तब भी सेल वॉल प्रोटेक्ट करेगी, और दूसरा सेल के श्रिंक करने पे सेल वॉल श्रिंक नहीं होती है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाती है। तो इस केस में जब पता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस, तो प्लाज्मोलाइसिस के ऊपर हमेशा याद रखना कि प्लाज्मोलाइसिस है क्या। व्हेन अ प्लांट सेल loses water, when a plant cell loses water, ठीक है, due to hypertonic solution, the cell wall doesn't shrink and plasma membrane shrinks करती है, पर cell wall shrink नहीं करती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड सेल टू द आउटसाइड पार्ट ऑफ द सेल विदाउट श्रिंकिंग ऑफ सेल वॉल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, और प्लाज्मोलाइसिस यूजुअली अकर इन प्लांट सेल ओनली, प्लांट सेल में ही ये होती है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होती है। तो ये आपका पूरा था ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गुड, tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.